हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस चैप्टर के कीवर्ड्स को हम सब देखेंगे। फर्स्ट कीवर्ड है बायोडाइवर्सिटी। तो वो क्या होती है? इट रेफर्स टू द वैरायटी और ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। इट इंक्लूड्स द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो रेफर करती है कि हमारे अर्थ पर जितने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, नॉन वो लिविंग जो है प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फंगी, अमीबा, समथिंग जो भी होते हैं, वो सारे जो हमारे जितने भी वैरायटी के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं वो हमारे बायोडाइवर्सिटी होते हैं, उसी के अंडर में सब आते हैं। नेक्स्ट है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व इज अ लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड मीट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी एंड द ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल ऑफ द ट्राइबल पीपल लिविंग इन एरिया। तो बायोस्फीयर रिजर्व मतलब जैसे कि कोई ऐसा एरिया, कोई बड़ा सा ऐसा एरिया जहाँ पर हम सब वाइल्ड लाइफ को या बायोडाइवर्सिटी को हम लोग कंजर्व करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आप जू भी जाते हैं तो वहाँ पर देखिए टाइगर है तो एक पिंजरा होता है, तो उस पिंजरे के अंदर काफ़ी बड़ा एरिया होता है जो कवर होता है केवल लॉयर के लिए। तो वहाँ पर जैसे लॉयर रहता है, डेड वगैरह होता है, उसका केव रहता है, वो सब चीज़ें उसमें बड़ी होती है, तो वो एक एरिया जो है वो लॉयर के लिए है। ऐसे ही सारे एनिमल्स के लिए भी बनाए जाते हैं, तो एक प्रकार का वो बायोस्फीयर रिजर्व होता है जो जो ह्यूमन है वो बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफॉरेस्टेशन। तो इट मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग द लैंड फॉर अदर पर्पस। तो यहाँ पर मतलब कि डिफॉरेस्टेशन मतलब कोई बड़ा सा जंगल है, हम सब अपने यूज़ के लिए उस जंगलों में जो पेड़ है वो कट कर दे, तो वो हमारा डिफॉरेस्टेशन होता है। जैसे कि आए दिन आप देखते हैं जो डैम बनाते हैं नदी पर, तो वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन अक्सर देखने को मिल जाता है। वहाँ पर जितने भी प्लांट्स होते हैं सभी को कट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिजर्टिफिकेशन। द कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इंटू डिजर्ट इज कॉल्ड डिजर्टिफिकेशन। मतलब जैसे कि कोई फर्टाइल जो है लैंड है और हम जब उसका यूज़ ना करें तो वहाँ पर वो जो है डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारा एक डिजर्टिफिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इको सिस्टम। तो एन इको सिस्टम इज अ सिस्टम विच इंक्लूड ऑल्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो इको सिस्टम वो क्या होता है? तो इको सिस्टम जो होता है उस सब में जो है एक ऐसा सिस्टम जिसमें सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब उसमें इंक्लूड हो, वो हमारे इको सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो द स्पीसीज विच आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ऐसी स्पीसीज जैसे कि जो आए दिन अपने अंत की तरफ बढ़ रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो एशियन लॉयर है वो हर एक कंट्री में नहीं पाए जाते हैं, फिलहाल वो इंडिया में है, तो अदर कंट्री से जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो इस टाइप वो इंडेंजर्ड स्पीसीज में आएंगे। जैसे कि जो वल्चर है वो भी इसी कैटेगरी में आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा एंडेमिक स्पीसीज। तो एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो एंडेमिक स्पीसीज मतलब कि ऐसे स्पीसीज जो जिनका जो एरिया फिक्स है वहीं पर पाए जाते हैं। जैसे कि पोलर बियर है, तो वो जो है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ होगी वहाँ पर वो पाए जाएंगे, ये नहीं कि वो डिजर्ट में पाए जाए। ठीक है, ऐसे ही। नेक्स्ट है हमारा एक्सटिंग। तो है एक्सटिंग इज समवन और समथिंग डैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। तो एक्सटिंग मतलब कि ऐसे स्पीसीज जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जैसे कि इस टाइप पे देख सकते हैं हम लोग डायनासोर को, डायनासोर जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो एक्सटिंग हो चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा फना। तो इट रेफर्स टू ऑल एनिमल्स लाइफ। जो जितने भी एनिमल्स लाइफ है उस सबको रेफर करता है कौन? फना रेफर करता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लोरा। तो फ्लोरा रेफर्स टू ऑल प्लांट्स लाइफ। जितने भी हमारे प्लांट्स लाइफ होते हैं वो सब चीज़ों को फ्लोरा रेफर करता है। नेक्स्ट है हमारा माइग्रेटरी बर्ड्स। मतलब जैसे कि पलायन कर रही है जो चिड़िया होती है, जैसे कि आप देखते होंगे कि बरसात के दिनों में
देखते ही ठंड के मौसम में कुछ ऐसे हमको नई नई चिड़िया देखने को मिलती है आपस में धूप के पास में, पर वो गर्मी आती है वो गायब हो जाती है, वो नहीं दिखती है। जैसे कि आपको गौरैया दिखने को मिलती होगी गर्मियों में पर ठंडी में नहीं दिखती है, वैसे ही वो हमारी एक माइग्रेटरी बर्ड्स है। वो किसी प्लेस में ठंड है वो वहाँ पर रहेगी, अगर उस प्लेस पे गर्मी आ गई तो वो वहाँ से उड़ के कहीं और चली जाएगी, मतलब माइग्रेट कर जाती है। तो वो हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स होती है। तो बर्ड्स डैट मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इन अ विंटर्स, तो ऐसी चिड़िया जो ठंड के मौसम में एक देश से दूसरे देश में जाती है। जैसे कि आप देखोगे प्रयागराज में जो शगब है वहाँ पर भी आपको बहुत सारे पक्षी देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा नेशनल पार्क। आ नेशनल पार्क इज अ प्लेस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना मैनेज बाय द नेशनल गवर्नमेंट। तो मतलब नेशनल पार्क क्या होता है, तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो रहे, धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। तो पर्टिकुलर प्लेस पर उनको कंजर्व करने के लिए जो नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा जो पार्क बनाया जाता है वो हमारा नेशनल पार्क होता है। नेक्स्ट है हमारा रेड डाटा बुक, द बुक विच कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड एनिमल्स प्लांट्स एंड स्पीसीज। तो रेड डाटा बुक्स में वो सारे एनिमल्स और प्लांट स्पीसीज आएंगे जो इंडेंजर्ड में है। नेक्स्ट है हमारा रिफॉरेस्टेशन, तो प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन एन एरिया वेयर द फॉरेस्ट वर डिस्ट्रॉयड इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। तो मतलब ऐसी जगह जहाँ पर पहले फॉरेस्ट थे पर अब नहीं है, तो उस जगह पर जो है वापस से प्लांट्स को लगाना वो हमारा एक रिफॉरेस्टेशन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है हमारा सेंचुरी, अ सेंचुरी इज अ प्रोटेक्टेड एरिया वेयर द वाइल्ड एनिमल कैन लिव इन दियर नेचुरल सराउंडिंग। तो एक ऐसा एरिया जहाँ पर जो जंगली जानवर है वो अपने उनके अकॉर्डिंग जो उनका एरिया है वो क्लाइमेट उनको वहाँ पर मिले, तो वो जो है एक सेंचुरी होता है। जैसे कि होता नहीं है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जगह जगह बनती है, टाइगर रिजर्व सेंचुरी, तो यहाँ पर जैसे कि टाइगर के रहने के लिए उनको जो क्लाइमेट होता है वो सब चीज़ें उनको वहाँ पर मुहैया कराई जाती है, तो वो हमारा एक सेंचुरी कहलाती है। सो फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।